देखा नहीं आप लोग आपस सपने में बात करते हो क्या? आई तो स्वप्न में मुझे बोलता था सुबह उठकर आपके माँ या आपके पति या आपकी बहन आपके बच्चे घर के जो लोग बोलते अरे रात्रि में बहुत बड़बड़ होता ना या आपने देखा होगा आपके बच्चे बड़बड़ते हुए आई तो भी पहला से तुझे बोले बड़बड़ कर जाता जबकि वो स्वप्न में होता है आई तो सर भाई स्वप्न में होता है ओरिजिनलिटी कहाँ होती है वो आई ओरिजिनलिटी होती है वो दर्शन शरीर आई शरीर में क्योंकि वो दृष्ट उस समय स्वप्न के द्वारा शरीर को पकड़ता है स्वप्न से बढ़ेगा शरीर को पकड़ता है ज्यादा स्वप्न पढ़ने वाले लोगों को या ऐसा टॉर्चर करने वाले लोगों को स्वप्न की स्पिरिट से लड़ना होता है आई म्हणून ज्याने जास्त स्वप्न पडलं किंवा स्वप्नाचे जागे ज्यांना सतत होतो त्यांना स्वप्नाच्या आत्म्याशी युद्ध करायचं असतं स्वप्न की आत्मा से लड़ेगा तो मुझे ऐसा करता है तो मुझे टॉर्चर करता है खबरदार तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है आणि स्वप्नाच्या आत्म्याशी युद्ध करायचं आहे की तुम्हाला त्रास देतो आणि तुझा काही अधिकार माझ्यावर नाही बायबल रीडिंग कम होने पर भी स्वप्न ज्यादा पडते हैं बुरे स्वप्न भी पडते हैं और गंदे स्वप्न भी पडते हैं आणि जर बायबल रीडिंग कमी आहे तर मग घाणेरडे स्वप्न पडतात आणि स्वप्न जास्त पडतात बायबल पढ़ना बड़ा इम्पॉर्टंट होता है आणि बायबल वाचणे हे फार महत्त्वाचं असतं इस स्वप्न के आत्मा से बच सकते हैं आणि तेव्हा तुम्ही या स्वप्नाच्या आत्म्याशी तुम्ही वाचू शकता आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें स्वप्न में लैंगिक वासना से व्यभिचार से संभोग करने वाले स्वप्न उनको पड़ते हैं और उनके शरीर को अशुद्ध करते हैं आणि म्हणून आज सुद्धा खूप अशी लोक आहेत ज्यांना लैंगिक संबंधाचे काही पडतं स्वप्न पडतात आणि प्रभु तत्व तुच्छ जानते हैं गली से हमें आने वाले जो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है अधिकार दिया है उनको हमें तुच्छ नहीं जानना है आई मंडल में जो लोग हैं देवाने जाना अधिकार दिया है तेना हमें तुच्छ लेकर जाना है जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ जैसे दिया है प्रभु था आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया दी है आई तुम सभी प्रभुता करने से देवानी मंडली दी है आपके ब्रदर दिए मैं दी हूँ आई आपका दी है दीदी दी है हाँ सेवक है जो जिनको वचन की सेवा लेते हैं वो प्रभुता करते हैं उनको अथॉरिटी चर्च से मिली है इसीलिए वो अथॉरिटी आप उनको दी है उनके आधीन रहना वो जो कुछ बोलते आपको कमांड करते उसको तुच्छ नहीं लेना आई सेवक आहे जे लोक वचनाची सेवा करतात त्यांना अधिकार दिलेला आहे म्हणून ते लोक जे काही सांगतात त्याला तुच्छ देऊ नका जसे वेदिके वर जो प्रार्थना करते जैसे जौनाताई सरिता वो लोग सब प्रार्थना करते वो उनको एक चर्च से अथॉरिटी दी है वो एक प्रभुत्व आ गया है कि ताकि आपको समझाए आपके लिए प्रेयर करे फिर आप उनको तुच्छ नहीं देखना आणि वेदिके जसे जमुना काकी आणि सरिता काकी प्रार्थना करतात त्यांना तुमच्यावरती प्रभुत्व दिलेलं आहे तुम्ही त्यांना तुच्छ देऊ नका आपके माता पिता आई तुमचे आई वडील वो आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने दिए आई तुमचा भी प्रभुत्व करण्यासाठी देवाने दिले आहे उनको तुच्छ नहीं देखना आई त्यांना तुच्छ देखो नका पति आई पति वो कैसे भी है लेकिन उन्हें तुच्छ नहीं देखना है आई ते कशी आहे तरी सुद्धा त्यांना तुच्छ देखायचं नाही फिर हमारे टीचर्स आई जे आपले शिक्षक आहे वो हमें वो हमारे ऊपर सिखाने के लिए रखा है उन्हें भी हमें तुच्छ नहीं देखना है कभी कभी कोई कोई लोग बोलते हैं हाँ टीचर अच्छा नहीं है टीचर बराबर सिखाता नहीं ये बराबर नहीं इसको पढ़ाने नहीं आता है हम कभी भी हमारे बच्चों को बोलना है वो टीचर है तुमको क्या मालूम है कि तुम टीचर की गलती निकाल रहे हो आई तुम्हारा क्या माहित है कि तुम्हें शिक्षकाची चूक कर बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के पास घर पे आकर ऐसे ही बोलते हैं कि ये टीचर अच्छी नहीं है वो बराबर सिखाती नहीं है ये टीचर बराबर नहीं ये टीचर अरे बच्चे को क्या मालूम है वो तो सीखने के लिए गया ना आई तुम्हारा क्या माहित है कि लोग सीखने के लिए गए हैं वो टीचर का परीक्षण करने के लिए परीक्षा लेने के लिए गए क्या आई तो टीचर की परीक्षा करने से तुम गए हैं है ना तो वो प्रभुता है उस समय परमेश्वर ने भले वो अविश्वासी टीचर है आई थे अविश्वासी टीचर है माँ बाप ने उनको बच्चों को स्कूल में डाला है ना आई आई बोला नहीं बोला ना शाड़ी बोली डाल दिया वो जो सिखाते हैं उनके अंडर में ना आई थे जो कहीं शिक्षक देते हैं जहाँ आदित्य बोले रहता है इसलिए जो कुछ प्रभु ने हमारे ऊपर प्रभुता दी है उनके अंडर रहना जो लोग तुच्छ जानते हैं वो स्वप्न ज्यादा देखते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचा भला बुरा गुण के बारे में बोलते हैं आणि जे लोग आहे ना तुच्छ देखतात ते काय करतात ते प्रभु तुला तुच्छ देखतात आणि त्यांच्याबद्दल ते लोक वाईट बोलतात तुझे पदवालों को भला बुरा बोलते हैं आणि जे उच्च पदवाले आहे त्यांना वाईट बोलतात लेकिन नवे वचन में लिखा है कि निकाय ये जो प्रमुख स्वर्गदूत है प्रधान स्वर्गदूत आणि नवे वचनामध्ये दिलेलं आहे की मिकायल प्रमुख स्वर्गदूत आहे यही प्रधान स्वर्गदूत गिब्राईल को बचाने के लिए आया आणि हाच प्रधान स्वर्गदूत गिब्राईल वाचण्यासाठी आला छुड़ाने के लिए आया आणि त्याला सोडवण्यासाठी आला रोक के रखा था आणि जे त्याला अडवून ठेवले होते रखा था आणि उसके साथ झगडा नाही करा था उसे जाने नहीं दे रहा था पास होने नहीं दे रहा आणि तो त्याचे जे भांडण करत नव्हता परंतु त्याला जाऊ देत नव्हता लुसिफर में इतनी शक्ति नहीं कि वो गिब्राईल को छुए आणि लुसिफर मध्ये एवढी शक्ति नहीं कि त्याने गब्रिएलला हात लावावा दुष्टात्माओं को कोई शक्ति नहीं कि वो गिब्राईल
स्पर्श करते वो और वो दुष्टात्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो लोग कोई दूसरे स्वर्गदूत को मार सकते हैं। प्रमुख स्वर्गदूत है ये, आणि प्रमुख स्वर्गदूत आहे मिकाएल, मिखाएल, गब्रायल, गब्रियल, लुसिफर। आणि लुसिफर की जगह चली गई है, आणि लुसिफरची आता जागा गेली आहे। प्रमुख स्वर्गदूत उसकी जगह पर जो दूत हो गए वो हम है, आणि त्याच्या जागेवरती जे दूत झालेले आहेत ते आपण आहोत। कोण हो गए आणि कोण झालेले आहेत? हम आणि आपण। लेकिन कौन से मसीह आणि कोणते ख्रिस्ती जो युद्ध करते, आणि जे लोक युद्ध करतात, जो लढते, आणि जे लोक युद्ध करतात। जो स्थान लुसिफर खाली करके रखे गया है, आणि जे स्थान लुसिफर खाली करून केलेला आहे, लुसिफर के हाथ के नीचे बहुत सारे स्वर्गदूत होते, आणि लुसिफरच्या हाताखाली खूप सारे स्वर्गदूत होते, बहुत सारे, आणि खूप सारे जो स्तुति आराधना करते थे, आणि जे स्तुति आराधना करते वही गिर गए, आणि ते पण पडले, वही गिर गए, आणि तेच पडले, वही गिर गए। तो वैसे ही हमें भी क्या किया है, आज यीशु मसीह ने हमें उस स्थान को खड़ा करके भर दिया है, आणि आज यीशु ख्रिस्ता ने आपल्याला त्या जागेवरती उभे करून ती जागा भरलेली आहे। जो स्वर्गदूत गिर गए उनकी जगह पर आज हमने खड़ा किया, आणि जे स्वर्गदूत पडलेले आहेत त्यांच्या जागेवरती आपल्याला उभे केलेले आहे। बड़ा सौभाग्य हमारा, आणि एवढं मोठं सौभाग्य आहे आपल्याला। लोक स्तुती आराधना नाही करते, आणि लोक स्तुती आराधना करत, लोक स्तुती आराधना करणं अच्छा नाही, आणि लोकांना स्तुती आराधना करणं हे आवडत नाही। अदृश्य देखो स्तुती आराधना करणे के लिए रोकता है, आणि दृश्य बघा स्तुती आराधना करण्यासाठी प्रार्थना करणे के लिए रोकता है, आणि प्रार्थना करण्यासाठी दोन वस्तू उसे बिलकुल अच्छे नाही लागत, आणि ह्या दोन वस्तू त्याला बिलकुल आवडत नाही। जर चाहते हो आणि तुम्ही चर्च मध्ये येता बैठो, तीन घंटा बैठ के जाओ, आणि ती स्तुती आराधना नाही करू, आणि स्तुती आराधना करू नका, आणि प्रार्थना करू नका, जागा राहो, आणि जाऊन घ्या, तुम्ही आशीष लो, आणि तुम्ही आशीर्वाद घ्या, मी चोरी करू, आणि तो चोरी करेल, हा वो चोरी करता है ना, आणि तो चोरी करतो, नाही तो उसके पास वो पावर आया कहां से, जबकि यीशु ने तो उसको शून्य बनाया, आणि त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आलं म्हणून की यीशु त्याला शून्य केलेला आहे, उसके पास वो अथॉरिटी सब मिला कहां से, आणि त्याला तो सर्व अधिकार कुठून, मसीह से, आणि ख्रिस्ती लोकांकडून। क्योंकि आज दुष्ट को मालूम है ये लोग चर्च जाने दो, चर्च से क्या लेंगे, चंगाई लेंगे, चर्च से आशीष लेंगे, चर्च से बरकत लेंगे, चर्च से पैसा लेंगे, सब कुछ धन संपत्ति सब मिलेगा। वो क्या करता है, आदि उल्लंघन करने वाले लोगों के जीवन में काम करता है, यानी पाप में गिराएगा, झूठ बुलवाएगा, गाली दिलवाएगा, मारामारी करवाएगा, दारू पिलाएगा, मूर्ति पूजा कराएगा, आ गया जो कुछ आपको यीशु ने दिया था वो ले लेता है, आणि जे काही येशून तुम्हाला दिलेलं असतं ते घेऊन घेता, और उस पर कोई इस पृथ्वी पर राज करता, आणि त्याच्यावरती तुम्हाला गजमंती राज्य करतो, मालूम आहे, नाही तर उसके पास कोई पावर नाही, आणि त्याच्याकडे कोणतंही सामर्थ्य नाही, वैसे तो वो है भी नहीं अभी यहाँ पृथ्वी पर, आणि तसं तर तो आता या पृथ्वीवरती सुद्धा नाही, आत्मिक सेनाने है उनके द्वारा वो काम करता है, नीचे बैठ कर वो हैंडल करता है, जब जब उसके घर पे तुम वचन कर, आज वो दिन से उसके घर पे कोई कुछ हुआ नहीं है, वो दिन से अच्छा चल रहा है, जरा जाओ अटैक करो, ये लोग ताक में बैठे रहते हैं, तो ये लोग में से ये किसी का प्रेयर नहीं होता, अच्छा इसने प्रेयर नहीं किया, इसने रोक उड़ाया, अच्छा इसने ये किया, ठीक है इसमें घुस जाता है, स्पर्श कर रहा है, फिर ये व्यक्ति को अजीब सा होता है, फिर चल है तो हम देखते हैं कि ये जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया मतलब आर्ग्यूमेंट किया और लड़ा नहीं शैतान, क्योंकि शैतान डरता है मिकाएल को, आई शैतान ने युद्ध किया नहीं कारण शैतान मिकाएल का घाबरता है, डरता है, आई तो घाबरता है, खुद सोच सकते पहली ऑलरेडी युद्ध हो चुका है, पहली लड़ाई हो चुकी है, और जो लड़ाई किया है अभी सोचो अगर मेरी और मेघा की लड़ाई हो गई है और मैंने मेघा को बहुत मारा, अगली बार मेघा मेरे से लड़ने के लिए आएगी नहीं आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको बहुत मारा है। तो वैसे ही शैतान पृथ्वी जब परमेश्वर ने प्रारंभ में जब पृथ्वी बनाई थी, आणि प्रारंभ मध्ये जब पृथ्वी बनवली होती हाँ तब स्वर्गदूत बनाए गए, आणि तेव्हा स्वर्गदूत बनवण्यात आले, इंसान नहीं बने गए थे, आणि तेव्हा एक मनुष्य बनवण्यात नव्हते आले,
परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत ये जो लूसीफर है उसके अंदर अहंकार आया उस अहंकार के कारण वो परमेश्वर का स्थान लेना चाहता था तो स्वर्ग में लड़ाई हुई उन्होंने लड़कर शैतान और शैतान के जितने पीछे फॉलोअर थे स्वर्गदूत वो सब नीचे गिर गए आणि त्यांनी लढू काय केली शैतान आणि शैतानाचे बाकी जेवढे फॉलोअर्स होते ते सगळे खाली पडले इसलिए बाइबल में लिखा है जल की सतह पर अंधकार था यानी शैतान था वहां यही पर ये मंडल रहे थे बेदौल की पृथ्वी युद्ध में सब नादूस हो गए जो परमेश्वर ने बनाया था तो बेदौल पे उस पर वो मंडलाता था फिर परमेश्वर ने वापस सृष्टि की रचना की जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या बनाया स्टेप बाय स्टेप एक एक वस्तुओं को बनाया और मानव को बनाया क्यों मानव को बनाया क्योंकि ऑलरेडी वो जगह खाली हो चुकी है जगह ही खाली होती है तो हम देखते कि उसने बुरा भला भी मतलब मार्ग बाद हुआ तो उसने रोका उसने बोला नहीं दफन करने नहीं देना ये बॉडी मुझे दे मैं इसे इस स्थान पर दफन करूंगा उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा इसे परमेश्वर ने मुझे दफन करने के लिए कहा है और ये दफन कहाँ किया है तुझे भी नहीं पता मालूम पड़ेगा इसलिए तो उनमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुआ लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में भी हम देखते हैं उनमें उसने निकाय ने भला बुरा नहीं कहा दोष नहीं लगाया पावरफुल शब्द बोला प्रभु तुझे शब्द तो म्हणाले की प्रभु तुला धमका और प्रभु ने उसे ऐसा कहा आणि प्रभु तुला अशा तरी धमका होता अभी तरह उसको भी मालूम नहीं की मोसेस का शव कहाँ है आणि आतापर्यंत त्याला सुद्धा माहिती नाही की मोशेचे जे शव आहे ते कुठे आहे प्रियो हम देखते हैं कि जब इब्राहिम स्वर्गदूत जो स्वर्ग था स्वर्ग से वो पृथ्वी पर डैनियल के पास आ रहा था तो आकाश में जो दुष्टात्माएं थी उसी ने सिर्फ अड़ा के रख दिया था ऐसे तो युद्ध किया नहीं था युद्ध नहीं था यही हो गया इसीलिए ये एक दिन हुआ दो दिन हुआ जैसे गोलियत के समय पर सुबह सुबह गोलियत आता था सरकारी गोलियत आओ इसराइली देखते थे इसराइली को पाए थे देखते ही रहते थे शाम हो गई गोलियत चला जाता था तब तक इसने उपाय छोड़ा नहीं कंटिन्यूसली फास्टिंग कर रहा था उसने खाना नहीं खाया लेकिन रात के समय पर फल जैसे होते हैं जूस जैसा होता है उसका आहार उसने लिया लेकिन बाकी उसने मुँह में कोई भी मिष्ठान या मधु या मीठी वस्तु जैसे जैसे हम कहते हैं कैडबरी या चॉकलेट या पेस्ट्री केक वैसे आइटम्स मटन चिकन भाजी दाल चावल ऐसा कुछ भी मुँह में नहीं करा तब तक उसने क्या किया फास्टिंग किया 21 days फास्टिंग किया परमेश्वर ने जब देखा कि अरे मेरा बेटा उपवास के ऊपर उपवास करते जा रहा है आणि देवाने जेव्हा पाहिलं की माझा मुलगा उपवासावरती उपवास करत चाललेला आहे आणि कहा मिकाएल आणि देवाने सांगितलं मिकाएल जा तू जा जो उत्तर मैंने इब्राहिम के हाथ में दिया है वो उसे पहुंचा दे आणि जे उत्तर मी गब्रियलच्या हातामध्ये दिलेलं आहे तो काय करताय पोहोचव क्या हो गया आणि काय झालं जसे शैतान के वो स्वर्गदूतों ने देखा मिकाएल आ गया सब पिछड़ गए आणि जसे शैतानाच्या स्वर्गदूतांनी पाहिलं की मिकाएल आलेला आहे सर्व पाठीमागे सब रस्ता खोल दिया आणि जो रस्ता आहे त्याला मोकळा केला इब्राहिम नीचे आ गया आणि गब्रियल हा खाली आला इब्राहिम से कहा कि तू तो परमेश्वर की नजर में बहुत अति प्रिय हो गया है आणि त्याने दानियेलला सांगितलं की तो अति देवाच्या नजरेमध्ये अति प्रिय झालेला आहे इसे हम देखते प्रियो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते कि यहाँ जो हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि फारस का जो राजा है शैतान वो हारा गया है हारा हुआ है
उस काल में भी और हमारी यीशु मसीह के काल में भी। आणि बाळस जो राजा आहे शैतान तो त्या काळामध्ये सुद्धा हारलेला आहे आणि आता जो येशूचा काळ आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तो हारलेला आहे। हम अभी हेरोद के बारे में देख रहे थे, हेरोद के विषय पे हम देखते समय हम बता रहे थे कि ये जो राजा है वो उसके अपने स्थान पर किसी और को बैठना नहीं देना चाहता था। आणि हा जो राजा आहे त्याला स्वतःच्या स्थानावरती कोणाला बसू द्यायचा नव्हता, बिलकुल नाही चाहता था कि मेरे स्थान पर कोई बैठे। आणि त्याची बिलकुल इच्छा नव्हती की माझ्या स्थानावरती कोणी बसावे। उसने तीन ज्योतिषों की हानी इसलिए नहीं की, पहली बार मैंने आपको बताया कि खाली नहीं थे, वो भी अमीर थे, उनके साथ भी सोल्जर थे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने बोला कि हेरोद होशियार है। मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि बड़ा होशियार था, उसको मालूम है अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि राजा कहाँ पैदा हुआ है। आणि हेरोद हा खूप हुशार होता कारण त्याला माहीत होतं जर यांना मी मारून टाकलं तर मला कसं समजेल की राजा कुठे शरणलेला आहे। इसीलिए उलोगोने लोग उसने क्या किया, यहूदियों की बैठक बिठाली। आणि म्हणून त्यांनी यहूदी लोकांची बैठक बसवली। उच्चा कहा जन्म होना चाहिए। आणि विचारले की कुठे त्याचा जन्म झाला, पडत बेथलेहेम में। आणि माहीत पडलं बेथलेहेम मध्ये। फिरम देते सारे वचन आणि नंतर आपण पाहतो साधे वचनामध्ये लोका सात पती अध्याय मॅथ्यू। अभी हम वापस हमारे वचन में मॅथ्यू दो का सात मध्ये दोन से सात। तेव्हा हेरोदाने बाकी लोकांना गुप्तपणे बोलावून त्याच्यापासून खूप चुपके से बुलाया, चुपके से बुलाकर बोला। त्यांच्यापासून काळा दिसू लागल्याची वेळ हे विचारून घेतले आणि त्यांना बेथलेहेमस पाठवताना म्हटले, तुम्ही जाऊन त्या बालकाविषयी बारकाईने विचारपूस करा व तुम्हाला शोध लागल्यावर मला कळवा, म्हणजे मीही येऊन त्याला नमन करेन। तो प्रणाम करणेवाला था, ऐ तो नमन करणार होता, झुकणेवाला था, ऐ त्याला झुकणार होता, कपट था, त्याच्यामध्ये कपट होतं। इसीलिए वो चाहता था कि कहां पर बच्चा जन्म हुआ है ये मालूम हो गया, ये लोग आकर अगर बता दिए तो मैं उस बच्चे को ही मार डालूंगा। आणि त्याची इच्छा होती की ह्या लोकांनी जर मला सांगितलं की त्या मुलाचा कुठे जन्म झालेला आहे त्या मुलाला मी मारून टाकेल। सर प्रिय हम देखते हैं कि ये उसे धोखा मिला, जो उन्होंने 16वें वचन में देखा कि उसके साथ ज्योतिषियों ने धोखा किया, क्यों ज्योतिषियों को वापस बताने के लिए नहीं गए, परमेश्वर ने उनको दूसरे रास्ते से लेके गया, इसलिए वो क्रोध से भर गया। आणि 16व्या वचनामध्ये पाहतो की जे ज्योतिष होते त्यांनी धोखा दिला आणि देवाने त्यांना काय केलं, दुसऱ्या मार्गावर त्यांना घेऊन गेला आणि मग तो जो राजा होता तो क्रोधामध्ये भर गया। इतना गुस्से में आ गया, आपको मालूम पड़ गया ना, खुद की बीवी को खुद के बच्चों को नहीं छोड़ा, वो क्या इस्राएल के बच्चों के ऊपर दया करेगा। आणि स्वतःच्या त्या स्त्रीला सोडल्याने आणि जी त्याची मुलं होती त्यांना सोडल्याने मग तो इस्रायलच्या मुलांवरती दया करेल का। क्या किया फिर से ज्योतिषियों को और ये लोगों को कहा, कहा ये होना चाहिए और बोलकर उसने बोला कि बेथलेहेम के और बेथलेहेम के आजू बाजू के बेथलेहेम गाँव और उसके आजू बाजू के गाँव जितने बच्चे हैं आणि बेथलेहेम गावामध्ये आणि त्याच्या आजूबाजूच्या गावामध्ये जेवढी मुलं आहेत दो साल के अंदर, एक साल दो साल के अंदर, आणि दोन वर्ष आणि दोन वर्षाच्या आत मध्ये आहे, एक दिवसाचा आहे, दस दिन का आहे, दहा दिवसांचा, पंधरा दिन का आहे, पंधरा दिवसांचा, छह महिने का आहे, सहा महिन्याचा आहे, एक साल का, एक वर्षाचा आहे, डेढ़ साल का आहे, दीड वर्षाचा आहे, दो साल का आहे किंवा दोन वर्षाचा, तलवार से मारा आणि त्याला तलवारी मारून टाका। भविष्यवाणी करण्यात आली होती की राहील तिच्या मुलांसाठी रडत आहे, वैसे सब औरते आणि सर्व घरामध्ये अहंकार चालू आणि रडत चालू झाले। उसके पिता के स्थान पर राजा बनकर यहूदियों के ऊपर राज्य करने लगा। अर्केला त्याच्या वडिलांच्या जागेवर यहूदियात राज्य करू लागला, लेकिन
योसेफ वहां जाना नहीं चाहता था। आणि असे वाला तिथे जायचा नव्हता। क्यों जाना नहीं चाहता था? आणि का तो जाने की इच्छा नहीं है? वैसे ही अपने बाप के जैसे ही सेम अपने बाप के ऊपर ही गया था। आणि हा सुद्धा त्याच्या वडिलांवरती गेला होता। उसके बच्चों में से उसके स्थान पर बैठा हुआ। आणि त्याच्या मुलांपैकी त्याच्या जागेवरती बसले ना। ये यरूशलेम और जुड़िया सामरिया के नजदीक में भाग में ये राज्य करता था। आणि हा यरूशलेम आणि सामरिया प्रांतामध्ये तो काय करायचा राज्य करायचा। ये बहुत क्रूर था। आणि हा खूप क्रूर होता। आणि बाप से भी बहुत क्रूर था। आणि त्याच्या वडिलांपेक्षा तो जास्त क्रूर होता। इसलिए योसेफ वहां रहना नहीं चाहता था। आणि म्हणून योसेफाला तिथे राहायचं नव्हतं। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत बार बार उसे चेतावनी देने के कारण आणि देवाचा देवदूताने त्याला बार बार चेतावनी दिल्यामुळे आखिर में वो नासरत में चला गया। आणि शेवटी तो नासरत मध्ये गेला। आखिर में येशू का नाम क्या गेला? आणि येशूचं नाव काय पडलं? येशू नासरी। आणि येशू नासरी तो इसलिए प्रियो उसके फिर हम देखते हैं कि यीशु के काल में अरे यीशु के काल में तीसरा राजा हेरोद आया। अरे तीसरा राजा हेरोद आया जिसे यीशु ने कहा ये कोल्ला है फॉक्स। अरे जरा यीशु ने सही कहा कोल्ला है। लुक अध्याय 13 अरे लुक अध्याय 13 ये तीसरा हेरोद है अरे इसका नाम एंटियोक्स है। अरे ऐसे जो नाम आने थे एंटियोक्स आने सभी लोगों का नाम अलग अलग होता है। आणि सर्व लोकांचं नाव वेगवेगळे असतं। इनको बोला जाता है हेरो। आणि ह्यांना म्हणले जाते हेरो। जैसे कैसर। आणि जसं कैसर कैसर के भी बहुत सारे जैसे सबको अभी उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको कैसे बताऊँ हाँ अपने चर्च का बताए अभी चर्च में बहुत सारे पास्टर है। आणि चर्च मध्ये खूप सारे पास्टर आहे। सब पास्टर को पास्टर जी बुलाते हैं। आणि सर्व पास्टरांना पास्टर जी म्हणून देतात है ना। लेकिन उनका हर एक का नाम अलग अलग। आणि त्यांच्या प्रत्येकाचं नाम हे वेगवेगळं असतं। जैसे पंजाब में जो कलीसिया चलाते हैं। आणि पंजाब मध्ये जे मंडळी चालवतात उनका नाम है अंकुर। आणि त्यांचं नाव आहे अंकुर। लेकिन उनको लोग क्या बोलते हैं? आई लोगों का पास्टर जी आई पास्टर पापा कि वो पापा लेकिन हम पास्टर पकड़ेंगे आई यहाँ पर पास्टर पकड़े हैं कि ब्रदर दीना कर आई ब्रदर दीना कर उनका नाम है पॉल। आई तेरे से जो नाम आ रही है पॉल। लेकिन उनको पॉल लोग क्या बोलते हैं? आई कहना लोगों का पास्टर जी पास्टर जी हमारे मेरे हमारे पास्टर एडवर्ड आई यहाँ पर पास्टर एडवर्ड वो हमारे उनका नाम है एडवर्ड। आई जैसे जी नाम आगे क्या है एडवर्ड। सब कलीसिया के लोग उनको क्या बोलते हैं? पास्टर। आई सर वो मंडली के लोगों का नाम मतलब पास्टर। अभी आपको समझ में आया? आई यहाँ तो तुम्हारा समझ में। तो वैसे ही उस काल में जो राजा बनकर राज कर रहा था उन सबको हेरोद बोलते थे। आई क्या काल में जो राजा बनकर राज कर रहा था तो सर्वना हेरोद बोलते थे। नाम अलग अलग थे। आई यहाँ सर मुझे नाम भी वेग वेग बोलते थे। कैसर भी। आई तो सब कैसर सुना। एक कैसर के बाद दूसरा कैसर बैठा था लेकिन सबके नाम अलग अलग थे। आणि एक कैसर नंतर दुसरा कैसर बसायचा आणि सर्वांचे नाव हे वेगवेगळे होते। तो इसलिए प्रियो वचन के अनुसार यहाँ एंटीबॉक्स जो एंटीयोक्स ये उसका नाम है इसका शासन चालू हुआ येशु के काल में। आणि याचं नाव एंटीयोक्स आहे त्याचं जे शासन आहे येशूच्या काळामध्ये चालू झालं। पाच साल से लेके 39 तक चालू हुआ। आणि 5 वर्षापासून 39 वर्षापर्यंत राहिलं। हा अब उसके जो पहिला राजा हमने देखा अर्खिलुस जो अर्खिलाउस जो हेरोद हमने देखा वो ज्यादा साल नहीं रहा। आणि पहिला राजा जो अर्खिलाउस हेरोद आपण पहिला तो जास्त वेळ नाही राहिला। उसका 2 साल राज्य था। आणि त्याचं 2 वर्षाचं राज्य होतं। इतना साल आणि किती वर्ष इतना बुरा था। आणि एवढा वाईट होता। उसके बाप से भी बहुत बुरा था। आणि तो त्याच्या वडिलांपेक्षा खूप वाईट होता। इसीलिए परमेश्वर ने उसका आयु सिर्फ 2 साल उसका राज्य भी 2 साल चला। वो मर भी गया 2 साल के बाद। जैसे वो राजा बना 2 साल तक राज किया उसके बाद मर गया। इसलिए मसीह के काल में 4 साल से लेके 6 साल तक मतलब ईयर 6 उसमें वो उसका राज्य खत्म वो भी खत्म। आणि 4 वर्षापासून 6 वर्षापर्यंत त्याचं राज्य होतं आणि त्याच्यानंतर तो संपलं आणि त्याचं राज्य संपलं। 6 राजा हेरोद के विषय मध्ये 6 हेरोद को परमेश्वर नेही मारा। आणि आपण 6 हेरोदांबद्दल पाहतो आणि 6 हेरोदांना देवाने मारलं। अलग अलग बिमारियों से मारा आणि वेगवेगळ्या आजारपणामुळे मारलं। जो अर्किलियस जो हेरोद आहे उसको भी परमेश्वर ने बुरी शिक्षा देकर ही मारा। आणि हा जो अर्किलियस जो हेरोद आहे त्याला सुद्धा देवाने वाईट शिक्षा देऊन त्याला मारलं। उसकी जगह पर जो एंटिपास हुआ वो 39 के ईयर तक उसने शासन किया। आई जैसे धागे वाली जो एंटियोक झाला तो 39 वर्ष पर्यंत त्याचा राज्य होता। 39 साल के तक उसने राज्य किया। आई 39 वर्ष पर्यंत त्याने राज्य केले। इसी जेरोद को यीशु मसीह ने फॉक्स कहा पढ़ेंगे लुक अध्याय 13
लुका अध्याय 13 वर्स 32 32 लुका अध्याय 13 लुका अध्याय 13 उसका 32 32 बहुत बुरा था यहाँ को वाइट होता है लोगों से बहुत तकलीफ गली के इसराइल के 1/4 के ऊपर ये राज्य करता था आई इसराइल से जो शादी करके रखा था और इसीलिए जॉन बाप्टिस्ट हमेशा इसका विरोध किया लग्न करून यही वो विरोध है एंटिओस इसी ने जॉन बॉप्टिस्ट का सिर कटवाया था आणि हा हेरोदेस आणि एंटिओस त्यांनी काय केलं जॉन बॉप्टिस्टचा रोग कापला हेरोदिया की जो लड़की थी आणि हेरोदियाची जी मुलगी होती उसका नाम सलोनी है आणि तिचं नाव ही सलोनी आहे उसने इसके बर्थडे के दिन में अच्छा रीति से डांस करवा दिया आणि त्यांनी तिने काय केलं त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी चांगला नृत्य केलं खुश किया आणि त्याला आनंदित केलं तू जो मांगेगी मैं दूंगा बोलकर उसने यहोना बपतिस्मा देने वाले का सिर ही मांग लिया वो भी चांदी के थाल में आणि तो जे काही मागशील मी देईल म्हणून तिने काय केलं यहोना बपतिस्माचं डोक मागितलं आणि त्याने ते पण चांदीच्या थालीमध्ये आणि तिला ते देण्यात आलं इसलिए ये इसीलिए जान परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो बोला ना फॉक्स कोल्हा ये बेफिजूल में नहीं बोला ये ऐसा ही था फॉक्स मालूम है कैसे होते हैं एकदम दिखाने के लिए धर्म ही दिखा देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहूदा को भय मानता है परमेश्वर का भय मानता तो वो यहूदा का सिर कभी नहीं काटता ऐसा तो करो देवाचा भय मानना तो त्याने कधी यहूदाचा डोक कापला नाही जब येशू मसीह के बारे में उसने सुना तो उसने बोला ये वापस यहूदा आया है आणि म्हणून जेव्हा त्याने येशू ख्रिस्ताबद्दल ऐकलं तो म्हणाला की यहूदा पुन्हा आलेला आहे जिसको मैंने मारा आणि ज्याला मी मारला बस त्याने त्यांना म्हटले ज्या कोंबड्याला जाऊन सांगा त्याच्या अगोदरचं वचन त्याच घटकेस किती परिश्रम त्याला म्हणाले हा बहुत सारे 13:31 उस काल में यहूदी लोग हेरोद को डरते थे आणि का काळात त्या काळामध्ये यहूदी लोक हेरोदेसला घाबरले होते येशू देखो क्या बोलता है आणि येशू बघा काय बोलतो त्याच घटकेस किती परिशय त्याला म्हणाले येथून निघून जा कारण हेरोद तुम्हाला जीवे मारायला पाहत आहे यहूदा को मारा है आणि तुझे भी मारेंगे भाग जा भाग जा वो क्यों वो अपने लिए बोल रहे थे आणि ते स्वतःसाठी बोलत होते क्योंकि फरीसी लोग व्यवस्थापक थे आणि परुषी लोक हे व्यवस्थापक होते येशू क्या करता था उनके अगेंस्ट में बात करता था वो लोग ने जो रूल्स बनाए थे वो लोग ने क्या रूल्स बनाया था मंदिर का जो सोना है वो पवित्र है मंदिर को कुछ भी करेगा चलेगा मंदिर के सोने को नहीं करना वेदी क्या है वेदी का खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है वेदी है तुमको माँ बाप को कुछ देना है नहीं देना है वेदी पर डाल को परमेश्वर को दे दो माँ बाप को नहीं दिया तुम परमेश्वर को दिया ना लोगों ने ये जो मोसेस का जो तोरा था उसको चेंज कर डाला था सत्य दिखा रहा था सत्य दाखवत होता इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था त्याने त्यांना म्हटले त्या कोंबड्याला जाऊन सांगा त्या कोंबड्याला जाऊन सांगा त्या कोल्ह्याला जाऊन सांगा हिंदी में क्या लिखा है उसको लोमड़ी को उस लोमड़ी को जाके बोलो वो लोमड़ी जो कनी है एकदम ध्रुत है पसवे के लिए कपटी है क्योंकि वो कपटी रहती है ना और मेन झूठी रहती है आणि वो क्या मुझे कोटारी असते वो झूठी रहती है आणि वो कोटारी असते खाने की इच्छा रहती नहीं मिली तो बोलती खट्टा है आणि खाने की इच्छा रहती नहीं मिली तो म्हणते की आपण काय इसलिए आप सबको लोमड़ी मालूम है आणि म्हणून आपले सगळे कोळी तो वो झूठी रहती है आणि ती कोटारी असते तो वैसे ही येशू उसको बोलता है उस लोमड़ी को बोल आणि येशू म्हणते त्या कोकणाला सांग पहा
मी आज व उद्या भूते काढतो व लोक बरे करतो आणि तिसऱ्या दिवशी मी परिपूर्ण होईल. तरी मला आज उद्या व परवा पुढे गेले पाहिजे, कारण येरुशलेमी बाहेर संदेशाचा नाश झाला आहे तसे व्हायचे नाही. हा इसलिए तू मुझे मार नहीं सकता आणि मी परिशी तू जैसे मुझे मेसेज लाया तू जाके उसको बोल तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता. आणि जसे मैं आज होकर योगा काम करता रहूंगा आणि मी आज आणि उद्या योगा मी काम करत राहणार आहे. इसलिए प्रियो ये यही हेरोद है जो इस जो हम देख रहे हैं. इस हेरोद के काल में पिलातुस जब उसे मारना नहीं चाहता था तो उसने हेरोदेस के पास भेजा. लूका 23 उसके 12 वचन में पढ़ सकते हैं कि हेरोद ने उसे जानना चाहा, देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था. बोला तू मेरे लिए कुछ चमत्कार कर. आई हेरोदेस यीशुला पाहून इच्छित होता कि तू माझ्यासाठी काहीतरी चमत्कार कर. उस यीशु के काल के समय तक ये बना रहा. आई यीशुच्या काळाच्या वेळेपर्यंत तो बनून राहिला. और होते ना यीशु को वहां मारा गया. आई यीशु ने तिथे मारण्यात आले. यीशु को लहू वहां बहाया गया. आई यीशु से रक्त तिथे वाहवण्यात आले. उस दिन से पिलातुस और हेरोदेस में फ्रेंडशिप होती. आणि त्या दिवसापासून पिलातुस आणि जे हेरोद आहे त्याच्यामध्ये मैत्री झाली. तो ये वही हेरोद है जो येशू के काल का. आणि हा तोच हेरोद आहे जे येशूच्या काळामधला. आणि चौथा हेरोद. आणि आता चौथा हेरोद. चौथा हेरोद का नाम है फिलिप द ट्रेडर्स. आणि चौथा हेरोदाचं नाव आहे फिलिप द ट्रेडर्स. नाव जरा हार्ड पडते ना. आणि नाव जे आहे ते कठीण आहे. ये 36 येशू के काल के 39 साल से उसका कार्य राजकाल चालू रहा. आणि येशूच्या काळाचे 39 वर्षापासून त्याचे जे राजकाल आहे ते चालू राहिले. और उसने हेरोदिया की जो लड़की थी सलोमी उससे शादी की. आणि त्याने जी हेरोदियाची लड़की होती मुलगी होती सलोमी तिच्याशी लग्न केलं. इसका भी ज्यादा काल नहीं रहा. आणि याचं जे काळ आहे ते जास्त राहिले नाही. 2-3 साल ही राज्य कर पाया. आणि हा सुद्धा 2-3 वर्षांपर्यंत राज्य करू शकले. बाद आया अग्रिपा. आणि त्याच्यानंतर आला अग्रिपा. इसका अग्रिपा 1 अग्रिपा 2. आणि अग्रिपा 1 आणि अग्रिपा 2. सुना है अग्रिपा? किधर सुना है अग्रिपा? सही बात. पेरितो के काम में. आई प्रेशर ने जो बोलते हैं बोले वो उसने क्या किया था. उसने अग्रिपा के सामने पौलुस ने भाषण किया था. आई अग्रिपा से सवाल पौलुस ने भाषण किया होगा. तो ये दूसरा दूसरा अग्रिपा के समय का बातचीत है. आणि दूसरा अग्रिपा च्या वेळेची चर्चा आहे. और ये जो अग्रिपा है. आणि हा जो अग्रिपा आहे ये वो हेरोद है जिसने पत्रस को जेल में डाला. आणि हा तो हेरोद आहे ज्याने पेत्राला तुरुंगामध्ये टाकलं. ये वो अग्रिपा पहिला वाला अग्रिपा. आणि हा पहिला वाला अग्रिपा पहिला हेरोद नाम है उसका. आणि अग्रिपा पहिला त्याचे हेरोद नाम आहे. इस अग्रिपा के बाद से हेरोद ये नाम कट हो गया. आणि ह्या अग्रिपाच्या नंतर हेरोदचे नाव आहे ते कट झालं. अग्रिपा 1 अग्रिपा 2 आणि अग्रिपा 1 अग्रिपा 2 और उसके बाद कोई अग्रिपा नाही. आणि त्याच्यानंतर कोणताही अग्रिपा नाही. तो हम देखते हैं कि ये वो हेरोद है जिसने क्या किया. पीड़ितो के काम अध्याय 12 में उसके 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं कि उसने क्या किया. उसने पत्रस को जेल में पकड़वाकर पहले तो उसने याकूब को चीरक से आरे से चीर लिया. आई पहले तो नहीं याकूब का आरे भी चीर लिया. उसे लगा कि अरे बहुत अच्छी बात है इसराइली लोग बहुत खुश होते हैं एक क्रिश्चियन लोगों को पीड़ितों को मारने पर. आई तो ऐसा बोल रही थी लोग आगे को आनंदित होते प्रेषित है ना आने के लिए लोग ना मारने से पत्रस को भी पकड़ा. आई मान तेरी पेट्रा ला पकड़ ले. पत्रस को भी मारने का प्लानिंग किया. आई पेट्रा ला सुधा मारने से तेरी योजना की. मालूम है परमेश्वर ने कैसे पत्रस को बाहर निकाला. आई तो मैं सर्वन हम ये कि देवानी पेट्रा ला कशाय तेरी बाहर कर ले. तो मेरे तो की काम 12 प्रेषित है जो कुछ आज है 12 20-23 कैसे 20-23 पर्यंत वाचो. इसमें सब लोग जनसमूह के सामने अपनी वाहवा की अहंकार से भरकर अपनी स्तुति की अपने परमेश्वर की महिमा न करते हुए अपना नाम ऊंचा किया. और स्वर्गदूत ने एक स्वर्गदूत ने आकर उसे ऐसा मारा उसी घड़ी कीड़े पड़े और कीड़ों ने उसे खाया. आणि त्याने काय केलं देवाची महिमा न करता त्याने अहंकारी म्हणून सर्व लोकांसमोर स्वतःची प्रशंसा केली. आणि स्वर्गदूताने त्याने अशा रीतीने मारलं की त्या वेळेला त्याला निघे पडले आणि तो मेला. स्वर्गदूतने उसे जो मारा ना सब कीड़े बंदी हो गए शायद इसलिए कीड़े वो बदन मर गया और सब कीड़े 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 दिख रहे थे. शायद बहुत सारे कीड़ों का बौछार उसके ऊपर डाला लगता है तभी तो वो तुरंत कीड़े क्योंकि बॉडी तुरंत कीड़े नहीं उत्पन्न कराती. आई जी शरीर आई लगेज कीड़े उत्पन्न करवात नहीं. अगर कोई मर गया आई सर कोई मरू के तो सबसे पहला कीड़ा कहाँ शुरू होता है मालूम. आई सर मैं तो ये कीड़े होते लगता है पेट पेट में.
वहां से शुरू होता है, तिथून सुरुवात होते, सुरुवात फुटता वही है आणि सुरुवातीला फुटतात ते, यही पेटी फुटता है आणि पूर्ण फुटतो, इसलिए लोक डरते हैं आणि म्हणून लोकांना घाबरतात, उठवायला लागले लोक रुचलं बॉडीला कि वो फूट गया आणि जर ते फुटलं तो किडे निकले गेले आणि किडे निकले, इसीलिए लोग अक्सर जल्दी से कोई मर गया तो उसकी क्रिया करना क्यों चाहते हैं, यही कारण है आणि म्हणून कोणी मेल्यानंतर लोक त्याची लगेच क्रिया करण्याची इच्छा यामुळेच ठेवतात, अभी लोक ऐसे आईस बॉक्स में रहते हैं, बहुत सारे जो आइस रखने का जगह है, मोबाइल लॉन्चरी है उनमें रखते हैं, इसलिए बॉडी वैसी की वैसी रह जाती है, वैसी की वैसी आणि ते लोक आईस बॉक्समध्ये ठेवतात किंवा ते तसे ठेवण्याची जागा आहे ते तर ठेवून जे देह आहे ते त्याच्या खाली ठेवले जातात, इसलिए किडे पडते नाही आणि म्हणून किडे पडत नाही, लेकिन अगर बॉडी को वैसे ही रखा आणि जर देहाला तसंच ठेवलं या कुछ शरीर को कुछ मेडिसिन जो काही केमिकल आहे वो केमिकल नाही लगाया आणि जर केमिकल नाही लावलं फुट जाईल आणि जे देह आहे ते फुटत जाईल, जो गोवा में जो शरीर रखा है उनके उसके शरीर को भी ऐसे ही नहीं रखा है, उसको भी केमिकल उसको भी एक लिक्विड लगाया जाता है, इसलिए वो बॉडी इतने साल से वैसी पड़ी है आणि गोवामध्ये जे शरीर ठेवलेलं आहे त्याला केमिकल लावणे देतं म्हणून एवढ्या वर्षांपासून ते आहे, अभी वो बॉडी बहुत ही दुबली हो गई है, पहले थोड़ी सी अच्छी थी लेकिन अभी बहुत दुबली हो गई वो बॉडी, मतलब क्योंकि इतने साल से है ना, बहुत सालों से वो बॉडी रखी गई है आणि एवढ्या वर्षांपासून ते ठेवण्यात आलेलं आहे, तो वैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो हेरो उस पढ़ लो उस वचन को हेरो सुरकारांवर व सीजनकारांवर रागावला होता म्हणून ते एक पदारी त्याच्याकडे आले व राजाच्या रंगमहालावरील अधिकारी बलस्थ याला अनुकरण करून घेऊन त्याची सभेत करण्याची विनंती केली, कारण त्या राजाच्या देशावर त्याच्या देशाचे पोषण होत असे, नंतर निवडलेल्या दिवशी हेरोद राजवस्त्रे घालून आसनावर बसला आणि हेरोद आपले राजवस्त्र पेहनकर राजा संघे उपर बैठा, हे हेरोद जिसने पत्रसको पकडवाया था और याकूब को मारा था आणि जमलेले लोकांपुढे भाषण करू लागला, वो प्रचार करने लगा, प्रीचिंग करने लगा, भाषण करने लगा, और फिर तेव्हा लोक गजर करून बोलले हे देववाणी आहे मनुष्य नव्हे, परमेश्वर की वाणी है, हाँ ये इसको चने के झाड़ को चढ़ा दिया, ये परमेश्वर की वाणी, बस क्या हो गया, त्याने देवाचा गौरव केला नाही, परमेश्वर की महिमा वहां हुई नहीं, म्हणून ते त्या क्षणी सी खड़ी स्वर्गदूत आया, प्रभूच्या दूताने त्याच्यावर प्रहार केला, ऐसा मारा जैसे इस पृथ्वी पर कोरोना लाया था, जिधर देखो उधर कोरोना फैल गया था, वैसे इसके ऊपर ऐसा मारा कि उसके अंदर सब कीड़े भर गए और आगे तो कीड़े पड़ गया, कीड़ा फड़ गया, तुरंत कीड़े पड़े, कीड़े उसको खा रहे थे, लोगों ने कैसा उठाया होगा क्या मर, अभी कीड़े कैसे आ रही बड़े बड़े ऐसे टमाने टमाने ऐसे वैसे, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई भी मसीह को सताता है तो उसका अंत निश्चित है, ऐसे वो कोई क्रिस्ती लोग बना सोचता तो कैसे जो अंत आने के निश्चित है, हम तो ये सारे राजाओं के विषय पे देखा है, मतलब एक राजा के स्थान पर होने पर भी वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसे अच्छी रीति से अंदर ही अंदर आतड़ी का कैंसर दे सकता है, क्योंकि उसने बच्चों को मारा इसलिए उसको आतड़ी का कैंसर, आई कहीं बोला ना मारा मुझे आतड़ी का कैंसर था, सब बच्चों को मारा ना, सबके बच्चों के पेट में तलवार घुसी ना, घुसाया ना, इसीलिए उसको भी पेट का ही कैंसर हुआ और वो भी जल्दी मरा, ऐसा तो बोला चल पोटा को इतनी तलवार घुसी मर जरा सुधर पोटा से, जो बच्चों ने दर्द उठाया, जो औरतों ने रोया, ऐसा बोला ने त्रास हो चला, ऐसा स्त्रिया रड़त होते हैं, इसलिए वो भी सर तुरंत नहीं मरा होगा, उसको भी पेट का कैंसर होगा, अंदर कितना उसको तकलीफ हुआ होगा, कितना दर्द उसने उठाया होगा, कितना कष्ट उसने उठाया होगा, कितना चिल्लाया होगा, लेकिन मेडिसिन का प्रभु ने असर भी होने नहीं दिया आणि म्हणून तो त्रास उचलत होता आणि करत होता, तरी सुद्धा देवाने काय केलं औषधाचा त्याला असर होऊचला, बेटा जो बना वो तो एकदम बुरा था, वो हमारे योसेफ के लिए योसेफ के फॅमिली के लिए अच्छा नाही था, क्योंकि इसीलिए योसेफ वहां जाना नहीं चाहता था, परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं उसको ही मार देता, आणि देवाने योसेफ ने डर भीती होती की योसेफ को डर था कहीं अचानक ये कहीं ना कहीं आ ना जाए, आणि योसेफला भीती होती की त्याने कुठे अचानक येऊ नये, परमेश्वर बिलकुल नाही चाहता था की योसेफ मानसिक टेंशन से जाए, आणि देवाची बिलकुल इच्छा होती की योसेफ हे मानसिक त्रासामध्ये जावं, उस राजा को ही निकाला, आणि त्या राजालाच काढून टाकलं, तिसरा मिला तो येशू के काळ का मिला, आणि तिसरा मिला येशूच्या काळामधला, लेकिन उसने यहोना को मारा, आणि त्याने यहोनाला मारलं, येशू का कुछ भी कर नहीं पाया, आणि येशूला तो काही करू शकला नाही, वो येशू को देखना जरूर चाहता, आणि त्याला येशूला पाहण्याची इच्छा, देखा येशू, आणि त्याने
ईशेला पाहिला और छोड़ दिया आणि सोडून टाकले. उसका भी मृत्यु बुरी रीति से हुआ आणि त्याचा सुद्धा जी मृत्यू आहे ते वाईट रीति से. अभी हम जो अग्रिप्पा देख रहे इसका भी हाल बहुत बुरी रीति से हुआ. क्यों? क्योंकि उसने प्रेरित को मारा. प्रेरित एक प्रेरित जो याकूब उसको मारा वो प्रेरित था. इसलिए ये जो इतनी बुरी मृत्यु हुई ना इसका कारण यही है. आणि त्याने प्रेषित जे याकूब आहे त्याला मारलं होतं म्हणून त्याचा एवढा वाईट रीतीने मृत्यू झाला. परमेश्वर बहुत 3 साल के बाद उन पीड़ितों को तैयार किया था. आणि ते म्हणे 3 वर्षानंतर ते प्रेषितांना तयार केलं होतं. 3 साल लगे थे उन पीड़ितों को तैयार होने के लिए. आणि 3 वर्ष लागले होते त्या प्रेषितांना तयार होण्यासाठी. आसानी से उसने उसे काटा. वो भी कितनी बुरी रीति से काटा. इसीलिए उसको भी क्या हुआ उतनी बुरी मृत्यु हुई. आणि मग त्याला सुद्धा तेवढं वाईट मृत्यू भेटला. हमेशा याद रखो आणि नेहमी लक्षात ठेवा मसीहों को सताने वाला प्रेरितों को सताने वाला जिंदा नहीं रहता. आणि ख्रिस्ती लोकांना सतवणारा प्रेषितांना सतवणारा कधी जिवंत राहत नाही. किसी का तुरंत मृत्यु होता है किसी का 1 साल के बाद किसी का 2 साल के बाद लेकिन होता जरूर है. आणि कोणाचा लगेच मृत्यू होतो कोणाचा 1 वर्षानंतर कोणाचा 2 वर्षानंतर परंतु होतं नक्की. अभी हम देखते हैं हेरोद में अग्रिप्पा 2 आणि आता आपण पाहतो हेरोद मध्ये अग्रिप्पा 2 ये जो यहूदी लोगों का जो युद्ध समाप्त हुआ 50 साल के दशक में यानी 50 साल के दशक में जब हुआ उस समय का ये राज्य उस समय वो कर रहा था राजकारभार चला रहा था. आणि 50 वर्षाच्या दशकामध्ये तो काय करत होता राज्य करत होता आणि राजकारभार चालवत होता. और उसका मृत्यू 93 के करीब उसका मरण हुआ. आणि त्याचं जे मृत्यू आहे ते 93 जवळ झालं. और पौल की जब तीसरी मिशनरी चालू थी यानी तीसरा बार का जो विजिट था लोगों को जब पौलुस के द्वारा जब परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित की आणि पौलुस जे घरी जेव्हा देवाने मंडळीची स्थापना केली तो उसे कहते पहिला विजिट यानी आउटरीच बोलते. आणि त्याला आउटरीच म्हणतात. फिर दूसरी बार विजिट होना यानी दूसरी बार मिशनरी करना यानी एक एक घर जाकर कलीसिया में जाकर देखना बराबर है तिमोथी तू बराबर कर रहा है ना तुझे कोई भी तुझ तकलीफ नहीं है ना इफ्रफास कलीसिया बराबर चला रहा है ना कहीं पर तेरी रुकावट है तेरी प्रभु ने ऐसा सीखा है तो उनको वो ट्रेनिंग देकर उन्हें वहाँ खड़ा करता था. ये उनको वापस चेक करने के लिए दूसरी बार गया. आणि दुसरी मिशनरी म्हणजे तो प्रत्येक मंडळीमध्ये जायचा आणि तिथले जे पास्टर आहे त्यांना तो काय करायचा त्यांच्याशी तो त्यांना ट्रेनिंग द्यायचा आणि त्याच्यानंतर ही दुसरी मिशनरी आहे. दुसरा या मिशनरी का यात्रा आणि दुसरी मिशनरीची यात्रा आणि तिसरी मिशनरी की यात्रा में वो पकडा गया. आणि तिसरी मिशनरीची यात्रेमध्ये तो पकडण्यात आला. ऑलरेडी प्रभूने उसके लिए भविष्यवाणी की थी आणि देवाने त्याच्यासाठी पहिले यरुशलेम जायगा तो पकडा जायगा आणि तो यरुशलेममध्ये जाशील आणि तुला पकडा जाईल. चला गया आणि तरी सुद्धा तो गेला. संपूर्ण मंदिर में उसको पकडा गया. आणि तो मग सर्वांना माहिती आहे की त्याला मंदिरामध्ये पकडले जाते. उसके समय पर 25-26 अध्याय में आप पढ़ सकते कि उस समय उस अग्रिप्पा के सामने उसे क्या करने को बोला भाषण मतलब परमेश्वर का वचन बताने का मौका मिला. आणि 25-26 अध्याय मध्ये तुम्ही वाचू शकता की त्याला ते सर्व लोकांच्या समोर देवाचं म्हणजे देवाचं वचनाचा प्रचार करायचे. हे बता तो था कि पौलुस मैं तेरी तरफ से हूँ. आणि हा सांगत होता की पौल मी तुझ्या तर्फे आहे. तेरी तरफ से हूँ. आणि मी तुझ्या तर्फे आहे. लेकिन पौलुस की तरफ से नहीं था. आणि तो पौलुसच्या तर्फे नव्हता. इसीलिए उसने कहा फिलिपियों की काम 26 आणि प्रेषितांचे कृत्य 26:28 आणि त्याचा 28 Acts 26 प्रेषितांचे कृत्य 26:28 आणि त्याचा 28 तेव्हा अग्रिप्पाने पौलाला म्हटले अभी ए अग्रिप्पा जो सेकंड नंबर का अग्रिप्पा है उसने कहा मी ख्रिस्ती व्हावे म्हणून तू थोडक्यानेच माझे मन वळवलंस. इतने जल्दी तू मुझे चेंज कर सकता है मुझे क्रिश्चियन बना सकता है मुझे मसीह में ला सकता है. लेकिन पौलुस बोलता है थोड़े में हो या लंबे में हो तुम हो जाओ मसीह यही काफी है. आई पौलुस बोलते थोड़े में हो या करेक्ट है ना मसीह होना इम्पॉर्टेंट है तुम जल्दी हो या लेट हो पर हो. आई ख्रिस्ती म्हणजे गरजे सारे तो लवकर हो किंवा उशीर हो नहीं हुआ. आई हा झाला नाही. इसके भी आगे हम बाद में मृत्यु देखते बहुत बुरी रीति से मृत्यु होती क्योंकि उसने पौलुस को मदद नहीं किया. आई हा तसे तो जो मृत्यु आहे तो खूप वाईट रीतीने झाला कारण त्याने पौलाला मदत केली. परमेश्वर के चुने हुए दासों को जब कोई चुन जो एक स्थान दिया है किसी व्यक्तियों को इस संसार में स्थान दिया है वो इसलिए दिए ताकि वो मसीह लोगों के प्रेरितों को शिष्यों को मदद कर सके. आणि ह्या जगामध्ये ज्यांना उच्च स्थान दिलेलं आहे ते यासाठी दिलेलं आहे की त्यांनी ख्रिस्ती लोकांना किंवा देवाचे जे शिष्य आहेत त्यांना मदत करावी. अग्रिप्पा को इसलिए रखा था ताकि वो पौलुस को छुड़ाए. आणि त्या अग्रिप्पाला यासाठी ठेवण्यात आलेलं होतं की त्यांनी पौलाला सोडवलं. उसने नहीं छुड़ाया. आणि त्यांनी नाही सोडवलं. एस्तर को इसीलिए वो स्थान दिया था. आणि म्हणून एस्तर को स्थान इसीलिए दिया. आणि एस्तरला म्हणून तो स्थान देण्यात आलं होतं. काल में एजरा महायाजक था. आणि त्या काळामध्ये एजरा हा याजक कडक था.
अभी ऐसा लगा कि उसका पति अभी बोलेगा मत जा रुक, लेकिन डिवाइड किया उसने, उन लोगों को निकाल दिया। और जिन लोगों ने ऐसा लोगों ने अपने पति और बच्चों को नहीं छोड़ा वही सामरी हो। ऐसा तो जब मुलाना आई तेरे भाई को इतना सोचा नहीं तेरे के सामने था ऐसा के काल में और ऐसा से काल में जो लोग बोले ना नहीं नहीं अभी नेचुरली अपने आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चे जाते जो भी अन्य जातियों से शादी करते थे वो लोग वहीं पर रहकर रहते थे। आई नो शेर को अन्य जाति से विवाह करे से लोग को दिले जान रहे थे। देखते हैं मर्द ने तो किसे शादी करवाया, पर्शिया का राजा था वो। आई मर्द के ही कोने से लगने के लिए तो पर्शिया का राजा होता है ना। फिर सोचने वाली बात है ये परमेश्वर ने होने क्यों दिया। आई देखा ये होगा दिया है क्योंकि उस राजा के द्वारा एस्तर रानी के द्वारा उनका बचाव। अगर वो पर्शिया उस राजा अगर उस रानी से शादी नहीं करता, एस्तर से शादी नहीं करता, तो राजा यहूदियों को बचाने के लिए आगे नहीं रहता। आई जर पर्शिया त्यांनी काय केलं असतं तर एस्तर से लग्न केलं नसतं तर तो यहूदी लोकांना वाचवण्यासाठी पुढे नसता। एस्तर क्या कर पाती आणि एस्तर काय गोष्ट आहे आई बदलाई सोबत राहू क्या करती आई काय केलं वचन पती परमेश्वर को मालूम था आगे हमारे ये बनाने वाला है। आई ने बोला नहीं तो कि पूरे जन हमारा नया योजना बना रहा है। तो इसी यो कहने का उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर हमें यही बात बताता है कि परमेश्वर किसी किसी को कोई स्थान देता है। जैसे अग्रिप्पा को एक स्थान दिया था ताकि मसीहों को बचा सके, पौलुस को बचा सके, लेकिन वो बचाया नहीं। हमें पौलुस को कैसर का मान करना पड़ा। जो परमेश्वर ने हौद दिए है, हौदे दिए है, अधिकार दिए है, वो मसीहों को चलाने के लिए, मसीहों को मदद करने के लिए। आज जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोगों को भले वो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उनका ड्यूटी है कि परमेश्वर की भक्ति करने वालों की रक्षा करना। अगर वो एंड टाइम पर अगर परमेश्वर का साथ नहीं देते, मसीह लोगों का साथ नहीं देते, तो नेचुरली वो पद पर नहीं रहेंगे, उनका स्थान नहीं रहेगा और जिंदा भी नहीं रहेंगे। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है कि आज हमने जो ये राजाओं के विषय पे देखा किसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, उनकी हालत क्या हुई, हालत आई थी कहीं जाए, आखिर में वो जिंदा रहे, आई बोल रहा हूँ कि वो जिंदा रहे, परमेश्वर के लिए जो काम करना था वो कर पाए, आई देवा से जो काम कर रहे थे वो लोग बोल सकते नहीं किए ना, आई नहीं किए, आखिर में उनका मृत्यु होगा, आई कहते जो अंत आई थी मृत्यु हो जाए, को मदद करने वाले को परमेश्वर आशीष देता है, आई किसी लोग का मदद करना है ना देव आशीर्वादित और मसीहों का विरोध करने वाले को परमेश्वर वैरी समझता है, आई किसी लोग का विरोध करना है व्यक्ति ना देव वैरी समझता है। आज जो गवर्नमेंट परमेश्वर ने स्थापित किया है अरे आज से सरकार जीवन स्थापित किए गए डिपार्टमेंट कोर्ट वकील जज जितने हैं ये सब ने मसीहों का सपोर्ट करना है, मसीहों को साथ देना है। आई डिपार्टमेंट कोर्ट वकील जो है चलो कहीं किसी लोग का सहकार्य करता है एंड से सपोर्ट दे जाए हां तो वो उस स्थान पर बनेंगे। आई देखो जो लोग के स्थान पर भी बनते अगर वो स्थान पर रहकर मदद नहीं करेंगे मसीहों को तो नीचे उतार दिए जाएंगे, नाश हो जाएंगे। आई सर क्या स्थानों पर कैसे भी लोगों किसी लोगों का मदद करने के लिए खाली उतरना है लेकिन आज तक नाश मसीहों को अब तक जितने जनों ने मदद किया उनको प्रभु ने आशीष दी है। आई किसी लोगों ने आपा पर चाहिए मदद के लिए है देव ने देना आशीर्वाद दी है मसीह को तो मदद करता ही है। आई किसी का किसी लोगों का मदद करो लोग एक दूसरे को हेल्प करते ही आई अपन एक भी का मदद करो अविश्वासी लोग जो जिनको
परमेश्वर ने स्थान दिया है, बड़ा खड़ा किया है, उनको क्यों ये स्थान दिया? ताकि मसीहों की बाजू लेने के लिए, मसीहों को मदद करने के लिए, मसीहों का साथ देने के लिए, उन पर अत्याचार न होने के लिए, इसलिए उनको ये चुना है। आणि अविश्वासी लोकांनी जे मोठं स्थान दिलेलं आहे, त्यांना निवडलेलं आहे, ते यासाठी दिलेलं आहे की ख्रिस्ती लोकांमध्ये सत्ता होऊ नये, परंतु त्यांनी त्यांचे मदत करावे। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है मोदी, उसको क्यों प्रभु ने चुना? ताकि मसीहों की रक्षा करने के। आणि आज आपल्या देशामध्ये जो प्रधानमंत्री आहे मोदी, त्याला देवाने का निवडलेलं आहे की ख्रिस्ती लोकांचं रक्षण करण्यासाठी। आज हमारे भारत देश के स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनको वो स्थान क्यों दिया है? वो इसलिए दिया ताकि वो मसीह लोगों को मदद करे और देश को अच्छा चलाए। आणि भारताच्या स्टेटमध्ये जे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना यासाठी निवडलेलं आहे ख्रिस्ती लोकांची मदत करण्यासाठी आणि त्यांचं रक्षण करण्यासाठी। डिपार्टमेंट यानी जो पोलीस खाता, उसको जो भी DYSP और जो जो बड़े बड़े स्थान होते हैं उसके भी ऊपर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उन सब स्थानों पर उनको क्यों रखा है? ताकि वो मसीहों को मदद करे। आणि पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये जेवढे मोठे मोठे स्थान असतात, त्यांनी का ठेवलेलं आहे? कारण त्यांनी ख्रिस्ती लोकांना मदत करण्यासाठी। वैसे जज, कोर्ट में जो वकील है, ये सब क्यों रखे? ताकि वो क्या कर सके? मसीहों को मदद कर सके। आणि जज, कोर्टामध्ये जे काही वकील आहेत, त्यांना यासाठी ठेवलेलं आहे ख्रिस्ती लोकांना मदत करेंगे? मदद करना, सच कुछ पौलुस को तो बहुत मदद करना, वो तो पौलुस से कुछ पानी की आशा रखता था। आई तो पौलुस को कहीं प्राप्त करने की आशा नहीं होता था। नहीं ना, परमेश्वर ने देखा नहीं रखा उसको, वहां भी कोई राजी नहीं रहे। आई कैसे अंदर कोई राजी नहीं रहे, हेरो ने बोलकर नहीं रहा। आई हेरो तो आई मन नहीं रहेगा मन हुआ। इसलिए प्रियो ध्यान रखो, हमारा परमेश्वर महान है। आई मन प्रियो ने लक्षण के बाद अपना जो मैं वहां किसी ने मदद नहीं किया था, हमारा मददगार परमेश्वर है। आणि जर आपल्याला कोणी मदत केली आहे, तर आपलं जो मदतगार आहे तो देव आहे। उसी पर आशा लगाए रखना, आणि त्याच्यावरती आशा लावून ठेवा। बायबलने लिखा आहे, किसी को रथों पर, किसी को मनुष्य पर, किसी को इजिप्त पर भरोसा होता है, हमें किस पर है? परमेश्वर पर। आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे, कोणाला इजिप्तवरती, कोणाला मिस्र देशावरती, कोणाला रथांवरती भरोसा असतो, परंतु आपलाच भरोसा कोणावरती आहे? देवावरती। ऊंचे स्थान पर उन्हें रखा है, वो मदद के लिए उतरे। आणि तसं देवाने उच्च स्थानावरती ठेवलेलं आहे, त्याने सुद्धा मदतीसाठी उतरावं। त्याने पुस्तक में जो राजा था, आणि दानियेलचे पुस्तकामध्ये जे राजा होता, जो उसे सिंहों की मान में जाने से बचा सकता था, आणि जो त्याला तारा है, तारा, आणि जो त्याला सिंहाच्या गोळ्यामध्ये तारण्यापासून वाचवू शकत, राजाचे बळकर कोणी आहे का? आणि राजापेक्षा मोठा कोणी आहे का? राजा आज्ञा निकालता, राजा आज्ञा कॅन्सल भी कर सकता है। आणि राजा आज्ञा काढतो तो कॅन्सल सुद्धा करू शकतो, कर सकता है, आणि करू शकतो। कठीण आहे बात राजाचे, आणि काही कठीण आहे गोष्ट राजासाठी, नाही ना, नाही ना। राजाओं से मदद नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर एक राजा है, सबसे श्रेष्ठ राजा, सारे जगत का राजा। अभी हमने भजन संहिता 99 में पढ़ा, यहोवा राजा है। आणि स्तोत्र संहिता 99 वाचलं की यहोवा हा राजा आहे, तो वो सारे जगत का राजा है। आणि तो सर्व जगाचा राजा आहे, सबसे बेस्ट राजा है, हमेशा हमारे ऊपर मदद भी है। आणि तो सर्व उत्तम राजा है आपल्या मदतीसाठी। टेन्शन मत करना, आणि म्हणून टेन्शन करू नका, आराम, आणि घाबरू नका, मजबूत खड़े रहा, आणि मजबूत रीतीने उभे रहा। हालेलुया, हालेलुया। सब सारे अधिकारियों के लिए जो इस संसार में है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। आणि आपण सर्व अधिकाऱ्यांसाठी जे या जगामध्ये आहेत, आपण